ओम नमः शिवाय। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और महाप्रचंड वशीकरण मंत्र लेकर, मासिक धर्म से वशीकरण। ये इतना अचूक और सटीक मंत्र है कि बस एक बार किसी के ऊपर कर देने से वो जिंदगी भर आपके नाम की माला जपेगा। अक्सर मैंने देखा है कि पारिवारिक जीवन में मनमुटाव हो जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी को हटाने के लिए मेरा ये महामंत्र आपके लिए एक वरदान साबित होगा। जब भी कभी आप देखें कि आपके पति किसी गैर स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं या फिर किसी भी तरह का आपको शक हो, तो आप इस प्रयोग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर मेरे पास कॉल आते हैं कि पति देव डाइवोर्स देना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस मंत्र को यूज़ कर सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। और इस मंत्र को करने के लिए काफ़ी सावधानियों का आपको जो है पालन करना होगा। मांस मछली मीट अंडा धूम्रपान और मदिरा का सेवन वर्जित है। किसी भी तरह की मदिरा का सेवन अगर आप करते हो तो इस मंत्र की जो भी शक्ति है वो बिल्कुल विफल हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो मैं फिर एक बार जोर देकर कहना चाहूँगा कि इस मंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। हमारे षटकर्मों में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मानव कल्याण के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ मंदबुद्धि इसका दुरुपयोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वर्जित हैं इसमें। इसमें अगर किसी भी तरह की हानि हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। जैसा मैं बताता हूँ वैसा कीजिए तो किसी भी तरह की हानि नहीं होगी और आपका जो परिवार है वह उसमें सारी खुशियाँ आपको दिखेंगी और आपका जो परिवार है वो बच जाएगा। अगर डाइवोर्स तक की नौबत आ गई हो तो इसको ज़रूर कीजिएगा और ये आपके लिए काम ज़रूर करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों पर टेस्ट करने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को जान लीजिए, इसको करना कैसे है। बहुत ही सरल प्रोसेस है, बस आपको इसमें कुछ घर में मिल जाने वाली चीज़ों का प्रयोग करना होगा। एक कांच की शीशी लीजिएगा, उसमें अपने हस्बैंड के थोड़े से बाल, एक लोहे की कील डालिए और थोड़ा सा खून और उसमें शहद डालकर थोड़ा सा पानी, ये डालकर उसको बंद कर दीजिए। और जब तक ये शीशी आपके पास रहेगी तब तक आपके पति आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप जैसा कहोगे वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मैंने देखा है कि इससे पत्थर दिल भी पिघलते हैं। चाहे कितना ही बड़ा पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपकी बात मानेगा इससे। बस आपको इस पर विश्वास रखना है और इसको करते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। और विश्वास यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है। जितना दृढ़ आपका विश्वास होगा उतनी ही जल्दी ये काम करेगा। तो किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625। किसी भी मंत्र के जो प्राण होते हैं वो होता है आपका विश्वास। अगर विश्वास अडिग है तो पत्थर में भी भगवान है। लगने को एक चुटकी राख लग जाए वरना करोड़ों का उपाय भी नहीं लगता। तो इस उपाय को करते हुए आप अपनी पूरी ऊर्जा इसमें लगाएं कि काम होगा नहीं, हो चुका है। अपनी ऊर्जा को उस जगह पर लगाएं जहाँ पर कि आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उसमें लगाएं, ना कि नेगेटिव चीज़ों में। आप जहाँ पर आप जैसा सोचोगे बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। तो अच्छा सोचिएगा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, तो ये आपके लिए ज़रूर काम करेगा। धन्यवाद।